वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आपका RRC ग्रुप डी का एंसर की आ चुका है और आप कैसे अपने एंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं, उस बारे में बात करेंगे। और मैं आपको 1 to Z मतलब मैं आपको पूरा अपना जो है मेरा एंसर की, मैं उसको डाउनलोड करके आपको प्रॉपर दिखाऊंगा कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो और किस प्रकार आप ऑब्जेक्शन को रेज कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको पोल में शामिल होना है, ठीक है, और आपको कट ऑफ की पता, ये जानना है कि कट ऑफ कितने एक्सपेक्टेड जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आंसर की, आफ्टर द आंसर की, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे है, उसको ज्वाइन कर लें। तो आप तुरंत मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और अपना एक बार पोल वहाँ पर जाके जरूर दें कि मेरे आपके कितने स्कोर बने हैं, कौन से जोन से हो और कौन सा सिक्स है, इतना जरूर बता दें, जिससे कट ऑफ की प्रॉपर एनालिसिस करके एक आइडिया दिया जा सके कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे आप अपनी उसको डाउनलोड कर सकते हो आंसर की को। ठीक है, बाकायदे से उसको उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। फिलहाल मैंने अपना आंसर की यहाँ पे ओपन कर रखा है, आप देख सकते हैं कि ठीक है, ये मेरा आंसर की है। मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि मेरे कितने सही रहे, कितने गलत हुए, ठीक है, इस बारे में भी आपसे बात करेंगे। और आपको प्रॉपर उसमें बताऊँगा कि मेरे कितने मैंने अटेम्प्ट किए थे, कितने मेरे रॉन्ग होंगे, कितने मेरे सही होंगे, ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आना है सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, सभी को पता होगा इसके बारे में। और आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, सबसे नीचे आप देखेंगे लेफ्ट साइड में यहाँ पे RRC ग्रुप डी आंसर की 2022, इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो नीचे आपको एक विंडो देखने को मिलेगा, आप उस विंडो पर जाएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा नीचे आओगे, हाँ यहाँ पर, और थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आपको साफ साफ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, लिखा है कि डाउनलोड आंसर की, ये कल वाला जो आपका आप यहाँ पे वीडियो पड़ा होता है कि जिसकी जिससे आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे आप आंसर की को चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये नोटिस है कल का। ठीक है, बाकी ये तो एडमिट कार्ड का, इससे कोई मतलब है नहीं हमें, हमें केवल मतलब है किससे, हमें मतलब है इससे, किससे, आंसर की से। तो चलिए मैं आंसर की वाले इस पर क्लिक करता हूँ। चलो तो क्लिक करते हैं हम इस पर और देखते हैं क्या ओपन होकर आता है। तो मैंने क्लिक कर दिया इसको और ये हमारे सामने एक विंडो ओपन होकर आएगा। तो जस्ट यहाँ पे हमको करना क्या है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, आप अपना एडमिट कार्ड उठाना, जो ग्रुप डी का एडमिट कार्ड था जो आप एग्ज़ाम सेंटर पे लेके गए थे, वहाँ से एडमिट कार्ड पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डाल देना और यहाँ से अपना जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको पासवर्ड यहाँ पर बन जाएगा, तो उसको पासवर्ड के रूप में यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर डाल देना। ठीक है, उसको करने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, यहाँ से क्या करना है, लॉगिन करना है। तो चलिए मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे अपनी डिटेल्स मैं यहाँ पे डालता हूँ। तो जैसे ही आप विंडो पे लॉगिन हो जाओगे ना, तो इस तरीके से आपको दिखेगा RRC CN नंबर 1/2019 यहाँ पे आपका, आपने जिस जोन से अप्लाई किया वो दिखा देगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, मैंने सिक्योरिटी के लिए इसको हाइड कर रखा है, और यहाँ पे आपको कैंडिडेट रिस्पॉन्स की वाले पे इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो चलो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। किस पे करना है, कैंडिडेट रिस्पॉन्स की, मतलब जो भी आपने वहाँ पे रिस्पॉन्स दिया था वहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा वही चीज़, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, आप कैंडिडेट रिस्पॉन्स पे क्लिक करोगे ना, तो उसके बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर फॉर लेवल 1 एग्जामिनेशन 2020-22। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे जो आपका आंसर की है वो आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर की जनरेट हो जाएगा, तो कैंडिडेट रिस्पॉन्स पे आपको जाना होगा। तो चलिए मैं इसको क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप कैंडिडेट रिस्पॉन्स की पे क्लिक करोगे ना, वो क्लिक हेयर वाले पे क्लिक करोगे ना, वैसे ही आपका जो एग्ज़ाम डेट है, शिफ्ट है, और आप किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हो, किस लिए एग्ज़ाम दे रहे थे, वो भी आपका दिखा देगा। उसके बाद से यहीं से आपका आंसर की डाउनलोड हो जाएगा और आप उसको PDF के रूप में सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर आपको प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे प्रिंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे वो आपका PDF डाउनलोड करने के ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं देखता हूँ, आप देख सकते हो इस तरीके से आंसर की है। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन सही हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन सही हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन गलत भी हैं। आप इस तरह से अपना आंसर की देख सकते हो, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो इस प्रकार आप अपना आंसर की चेक कर सकते हो, अपने जो भी रिस्पॉन्स दिया है। आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, सॉरी मैं एक बार थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसको, हाँ यहाँ से आपने जो ऑप्शन चूज़ किया होगा यहाँ पे दिखाएगा कि जो आपने आंसर दिया था। ठीक है, तो अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज़ किया होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 वाले पे अगर सही हो रहा है तो समझ लो वो आपका +1 मार्क्स आपको दे के जाएगा, वो आपका आंसर सही है। अगर आपने यहाँ से, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, एक मेरा क्वेश्चन जो गलत हुआ मैं उसको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये तो सही है, ये भी सही है, ये देखो, ये वाला देखो, अब इसमें लिखा है ना, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट को
स्टार के रूप में संचित किया जाता है, मैंने वसा के रूप में लिख दिया था। तो मैंने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो वन वाला सेलेक्ट किया था, और रेलवे के अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए वो थर्ड वाला होना चाहिए। तो इस पर मैं अपना 0.33 माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन आपको चेक करने हैं अपने, और अपने आंसर की तो आप मैच करवाने हैं, ठीक है। तो आप देख लेना अपना आंसर की, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताओ कि आपके कितने सही बन रहे हैं, कितने सही बन रहे हैं और कितने गलत बन रहे हैं, और आपके राउंड स्कोर कितने आना है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई मैंने 84 अटेम्प्ट किए थे, और बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि मेरा 13 से 14 क्वेश्चन गलत हो गया है, जिसमें कि मुझे अभी 1 से 2 क्वेश्चन में, लगभग 2 क्वेश्चन मुझे डाउट है कि रेलवे ने इसका आंसर गलत क्यों दिया है, और मैं इस 2 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज करूँगा, और मुझे लगता है कि वो 2 क्वेश्चन भी सही होने चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है। बाकी अदर लोगों की भी ओपिनियन लेंगे, यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ भी आएंगे इसके अकॉर्डिंग, तो मैं उसको भी एक बार चेक करूँगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने 84 अटेम्प्ट किए, मेरे सही कितने हुए लगभग 71 या 17 मान लो मेरे सही हुए, और मेरे गलत कितने हुए 13 से 14, ठीक है। तो 13 से 14 का मतलब 4 से 5 नंबर अगर मैं घटाता हूँ, कितना 4 से 5 नंबर घटाता हूँ तो वही 66 से 67, ठीक है। तो 66 से लेकर 70 तक का मेरा राय स्कोर बन रहा है, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो सकता है। अब क्या पेपर का लेवल रहता है, बाकी सब्जेक्ट में क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, वो बाद में ही पता चलेगा। पर सीट भी आपका 1 लाख से प्लस में है, और पेपर का लेवल तो आपने देख ही चुका है कि क्या पेपर का लेवल था, तो मेरे अकॉर्डिंग तो कटआउट बहुत कम जाने वाला है, ठीक है। तो इतनी अच्छी तैयारी करने के बाद भी यार 66 से 67 नंबर ही बन पा रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन में अभी डाउट है मुझे, देखते हैं उसको क्या होता है, पर ओवरऑल यही मेरा रिस्पॉन्स है, ठीक है। 66 ही मान लो भाई, क्या कर सकते हैं, 66 नंबर बन रहे हैं ओवरऑल, ठीक है। मेरे हिसाब से ये पेपर और अच्छा हो सकता था मेरा। आप लोग की क्या राय है आप लोग भी कमेंट करके बताओ, मैं आप लोग के कमेंट का इंतजार करूंगा, और अपना स्कोर जरूर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैंने फिजिकल पिछली बार क्लियर किया था, मैंने पेपर भी क्लियर करा था, पर मेरा पिछली बार फाइनल मेरिट में नहीं हुआ था, इस बार दोबारा से पेपर दिया हूँ। पिछली बार मेरा जो राय स्कोर था वो 16 था, इस बार 66 से 67 बन रहा है, ठीक है। और पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा है पिछली बार से, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि यार इतने में हो जाना चाहिए, ठीक है। भला भगवान चाहेंगे तो इतने मेरा भला हो जाएगा, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करना और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।